उसने हमको बताया नहीं। जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उसको गोल्ड मेडल मिला तो भी हमको नहीं बताया। मैं उससे बोला बेटा आखिर बात किया कुछ तो उनको बताते नहीं। बोला ये तो नॉर्मल रूटीन का काम, पापा ये बताने की क्या गलत बोलो। 99.25 IIT में लिया और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया और US के लोग आकर के उसको, क्योंकि एक ही गोल्ड जो मेडलिस्ट है UDCD में, उसको हम लेकर के जाते हैं, फेलोशिप देते हैं, PhD कराते हैं, जो भी बात है। तो कहने का हमारा मतलब, मैसेज देने का ये है हमारा कि ये बच्चों को हम लोगों ने इतने एक एक करके सभी अगर जो हम करेंगे इनको उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है 90+ आगे जाएं और उसमें हमारा भी नाम हो। वो जिसके पास एक दिन जाके उसने लाइब्रेरी में विद्यासागर कौन से पूछ कोचिंग क्लासेस था, वो गया भी नहीं था, एक दिन किताब रेफर करने के लिए गया था तो उसने नाम एंट्री किया। जब उसका नाम पा गया वो, तो वो नाम जो है न्यूज़पेपर में दे दिया। न्यूज़पेपर में देखा तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं, आपने हमको बताया कि भाई आपके बेटे का नाम उसमें आया हुआ है, तो लिस्ट में आया हुआ है। मैं बोला भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं, किसी ने बताया मुझे। तो वैसे ही आप लोग अगर जो ऐसा काम करेंगे तो हमारा भी नाम उसमें होगा है, और हमारा भी हौसला एक बुलंद होगा। और हमारी उम्मीद यही है कि आप लोग ऐसा काम करें, करेंगे थोड़ा हाथ खड़ा कीजिए आप बच्चे लोग, ऐसा काम करेंगे कि हम लोगों का दिल खुश हो, हम लोगों का हौसला बुलंद हो और अगली बार और आपको प्रोत्साहन के लिए हम इकट्ठा करें और बड़ा उस टाइम में अगले साथ इसी टाइम में हम जो है प्रोग्राम करेंगे। और उसके लिए बस एक ही चीज़ ख्याल रखिएगा कि आपको शिस्तबद्धता बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन बार बार जो बोलते हो, डिसिप्लिन से आप अच्छे बनेंगे, अपने घर के परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के लिए आप उपयोगी बनेंगे। एक चीज़ हमारी तरफ से ख्याल रखना, हम लोग फौजी आदमी हो तो हम लोग डिसिप्लिन पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो डिसिप्लिन का लोग मतलब थोड़े हल्के भाव में समझते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि उसी चीज़ से सब मिलती है। वो आप पहला पायदान समझिए और आखिरी पायदान भी वही है। तो हमारा आप लोगों से सबसे निवेदन है, आप घर में परिवार में जो लोग हैं कि बच्चों में शिस्त कायम रखें और जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई में, अपने एजुकेशन का विकास में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपना संदेश खत्म करूँगा और अगले साल अगर रहेंगे तो मिलेंगे इस टाइम में और जोश और उसके साथ।